सो हे गाइस जी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में। इस फोन के बारे में काफी कुछ निकल के आना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि मैं काफी वीडियोज भी बना चुका हूँ इस फोन के बारे में, बट आज ये फोन गीक बेंच पर लिस्ट हो चुका है। तो इसके साथ साथ काफी कुछ स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म हो जाती है। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और फोन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस फोन का कैमराज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 9 प्रो की डिस्प्ले से। डिस्प्ले इस फोन की आपको कैसी देखने को मिलेगी? जो डिस्प्ले इस फोन की आपको देखने को मिलेगी वो 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की आपको कुछ डिस्प्ले देखने को मिलेगी सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ में, और साथ में आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले ही आपको देखने को मिलेगी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाली। और साथ में आपको पंच होल सिंगल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और साथ में आपको एचडी फुल एचडी फ्लैश का रेजोल्यूशन इस डिस्प्ले पर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, बट सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस बार भी रेडमी की तरफ से देखने को नहीं मिलने वाली। कहीं हम बात करते हैं इस फोन के डिजाइन की, तो डिजाइन आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रेंडर निकल के आया था। तो इस ऐसी ही आपको डिजाइन कुछ रेडमी के नोट 9 प्रो पर देखने को मिलेगी, क्योंकि क्वाड कैमरे का सेटअप आपको सेंटर पर देखने को मिल जाएगा, और साथ में डुअल फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल जाएंगे इस फोन पर, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा इस फोन पर, और साथ में रेडमी का लोगो देखने को मिलेगा। तो डिजाइन और डिस्प्ले इस फोन के प्रीमियम बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है और अच्छी भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर आपको कौन सा देखने को मिलेगा इस फोन पर, जो कि आप समझ रहे हैं काफी वीडियोज बन रही है कि डायमेंसिटी 800 बार आपको मीडियाटेक का देखने को मिल जाए, जो कि 5G चिपसेट है, 5G स्मार्टफोन हो, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इस फोन पर आपको गीक बेंच पर आज क्लियर हो चुका है कि स्नैपड्रैगन का 720G चिपसेट ही देखने को मिलेगा, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको 720G देखने को मिलेगा, तो 4G ही फोन आपको रेडमी का नोट 9 प्रो देखने को मिलने वाला है। तो आपको डायमेंसिटी 800 मिलने के 10% चांसेस है, बट 90% स्नैपड्रैगन का 720G मिलने के ज्यादा चांसेस आप मान सकते हैं। तो इस फोन पर आपको स्नैपड्रैगन का 720G देखने को मिलेगा। ये हम बात करते हैं इस फोन के कैमराज की, तो कैमरा जो इस फोन पर आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैमरे के साथ में ये फोन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, क्वाड कैमरे का सेटअप तो इस फोन पर देखने को मिलेगा, बट जो प्राइमरी कैमरा सेंसर इस फोन का आपको देखने को मिलेगा वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मनु कुमार जैन ने, जो कि रेडमी की सीईओ ने, उन्होंने कल ट्वीट करके बताया था कि सबसे पहले हम लाए थे 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में रेडमी का नोट 7 प्रो, और जब लाए थे 64 मेगापिक्सल का सबसे पहले इंडिया पर फोन, जो कि रेडमी का नोट 8 प्रो था। और अब बताया कि आप गैस कर सकते हैं आप कौन सा कैमरा हम ला सकते हैं नए नोट सीरीज के फोन पर। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आपको इस फोन पर देखने को मिलेगा। और एक ट्वीट और किया था, उससे बताया था कि 9 से 12 होने का टाइम आ चुका है, उस ट्वीट पर लिखा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप 9 को 20 पर करते हैं 12 पर, तो कंफर्म हो जाता है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा। सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, थर्ड कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, और फोर्थ कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। वैसे हम बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा जो आपको इस फोन पर देखने को मिल सकता है वो आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो बैटरी जो इस फोन पर आपको देखने को मिल सकती है वो 4500 एमएएच की बैटरी देखने को मिल सकती है, और साथ में आपको 27 से 30 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट आपको देखने के काफी कम चांसेस है, इस पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देखने को मिलेगा, और एंड्रॉइड 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, और साथ में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलने वाला है। और गाइज, आपको हम बात कर ले रैम ब्रांड की, तो रैम ब्रांड आपको सभी रैम ब्रांड के साथ में आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट वेरियंट होगा जो 6 GB 64 GB के साथ में आपको बेस्ट वेरियंट के साथ में देखने को मिलेगा। सेकेंडरी रैम ब्रांड आपको 6 GB 128 GB के साथ में देखने को मिलेगा। थर्ड रैम ब्रांड आपको 8 GB 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिल सकता है, या फिर 128K इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा। ओवरऑल गाइज, फोन होगा बहुत ही कमाल का आपको देखने को मिलेगा, बट जो आपको इस पर कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा वो 108 मेगापिक्सल का बहुत ही कमाल की बात है, कि पहली बार आपको नोट सीरीज पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा के दिखाएगा। सो गाइज, इतनी कुछ स्पेक्स इस फोन के बारे में निकल के आई थी, गीक बेंच पर फाइनली लिस्ट हो चुका था, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इस फोन पर आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सो गाइज, वीडियो में कुछ इतना ही बताना था। सो वीडियो पसंद आता है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।